इस बच्ची को दे दो, वो जो हाथ खड़ा किए बच्ची चश्मा लगाए, हाँ तुम भाई उस तरफ पहुंच जाओ, ये जो पुरुष है ना, अरे क्या नाम तुम्हारा, यहाँ ये इनको दे दो। पहले बिटिया माइक चालू करो भाई, बोलिए। सीताराम गुरुदेव। सीताराम कहाँ से हैं? हम नागपुर से आए हैं। नागपुर? हाँ। कथा सुनने? जी गुरुदेव। वाह, बार ताली बजाओ। कितने दिन से हो यहाँ? 3 दिन हो गए। तीनों दिन से कथा सुन रहे? जी गुरुदेव। वाह, बोलो क्या प्रश्न है? इंदौर में भी आए थे, वहाँ भी कथा सुनी थी आप। वाह क्या बात, कथा के पागल हैं। सुनाओ क्या प्रश्न है गुरुदेव? हमारा प्रश्न है, रामायण में काकभूषुंडी कोवो के गुरु ने राम जी से किसी नदी किनारे पूछा था कि प्रभु आप अलग अलग बुद्धि और तन के मनुष्य उत्पन्न कर दिए हैं इस संसार में, ऐसा क्यों? राम जी ने कहा था, मैं या तो जीव को बुद्धि दे देता हूँ जिससे वो बुद्धि के सहारे जिए, अगर बुद्धि नहीं देता हूँ तो धन देता हूँ ताकि उसकी जीविका चलती रहे, क्या ये सही है? अगर सही है तो कुछ लोग बुद्धिमान और अमीर दोनों होते हैं और कुछ गरीब और मूर्ख दोनों होते हैं, ऐसा क्यों? बहुत सुंदर प्रश्न, आपने ये मोबाइल से देख के पढ़ा है? नहीं, ये लिख के लाए थे हम। अच्छा, लिख के लाए, हम देख रहे थे कि आप मोबाइल। बहुत सुंदर प्रश्न है, राम जी से काकभूषुंडी जी ने पूछा, जो बिटिया ने पूरा विस्तार पूर्वक बताया, हम सूक्ष्म में बता देते हैं। भगवान नाना प्रकार के लोग आपने प्रकट किए, इसके पीछे कारण क्या है? यहाँ पर पूरा वृतांत यह है कि राम जी ने कारण यह बताया कि सब हमको पालें, कारण सिर्फ यही है कि सब भगवान ठाकुर राम जी का कहना था कि सब भक्ति में लग जाएं, सब हमको पालें, इसलिए नाना प्रकार के मत नाना प्रकार के लोग प्रकट हुए किए। पर आपने सबकी बुद्धि अलग अलग, विवेक अलग अलग कर दिया, किसी को अमीर किसी को गरीब बना दिया, बोले इसी का नाम है संसार, सब एक समान हो जाएंगे तो अमीरी और गरीबी का फर्क मिट जाएगा, सबके मन एक से हो जाएंगे तो फिर कथाएं कौन सुनेगा, सब कथा वक्ता बन जाएंगे, और जब सभी कथा वक्ता बन जाएंगे तो श्रोता कौन होगा, सभी बुद्धिमान बन जाएंगे तो मूर्ख कौन कहलाएगा, बुद्धिमानों की कीमत शून्य हो जाएगी। अच्छा, अंधेरा ही अंधेरा हो, उजाला ना हो तो अंधेरी की कम कीमत शून्य है, अंधेरा और उजाला हो तो दोनों की कीमत बनी रहती है, इसलिए भगवान ने मूर्ख बुद्धिमान दोनों बनाए। फिर आपने कहा कि किसी को मूर्ख और धनहीन बनाया भगवान ने, किसी को अमीर और विवेकवान बनाया, ये आपकी बुद्धि में है, उसके पीछे रहस्य कुछ और होता है। जो अमीर होता है तो विवेक उसका नहीं होता, कई बार उसकी लुगाई का विवेक होता है, कई बार उसके मित्र का विवेक होता है, कई बार उसके पड़ोसी का विवेक होता है, और विवेक होता है तो धन दिखने में तो बहुत होता है पर वास्तविकता में उसके हाथ में कुछ नहीं होता। ये आपने कहा कि कई लोग गरीब और मूर्ख भी होते हैं, तो कई लोग धन से जरूर तुम्हें गरीब दिखाई देंगे पर जो है मन से गरीब नहीं होंगे, गरीबी भी कई प्रकार की होती है, एक अमीर होते हुए भी अमीर नहीं होते हैं, कंजूस होते हैं, तो वो भी गरीब की ही श्रेणी में आते हैं। तो आपने एक दो उदाहरण ऐसा बताओ कि जो गरीब भी हों मूर्ख भी हों, तो उसके पीछे अगर आप कहो कि नहीं एक दो लोग हमें ऐसे मिले भी हैं, तो राम जी ने तो ऐसा नहीं कहा कि हमने गरीब मूर्ख बनाया, ये सब अपने कर्म के अनुसार भोगते हैं, जो पिछले जन्म में ऐसा कर्म करते हैं वो इस जन्म में ऐसा भोगते हैं कि राजा के घर उत्पन्न होंगे कि गरीब के घर उत्पन्न होंगे, तो कर्मानुगति है और कर्मानुगति के लिए राम जी ने ऐसी लीला की है। तो ये हमारी दृष्टि से आपको पूरा प्रसंग पढ़ने की आवश्यकता है, आप पूरा पढ़ेंगे तो ये संदेह मिट गया होगा, हमें लगता अभी भी मिट गया होगा, निश्चित गुरुदेव मिट गया।